ये है कामधेनु भारत। नमस्कार, मैं वैद्य नितिन अंबटकर। जैसे कि हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में, इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा अगर तादाद देखी जाए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो पेट की बीमारी का है। क्योंकि हमें आयुर्वेद में भी बोला गया कि सर्व रोगापे मंदाग्नि कारणम, सभी जो रोग होते हैं ना उसका मूल अगर देखा जाए तो ये मंद अग्नि है। अग्नि मतलब हमारा डाइजेस्टिव फायर। हम सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या हमारे अग्नि साथ करते हैं। सवेरे उठते बराबर आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग पानी पीने का एक फैड आ गया है या फैशन आ गया है कि उठे बराबर पानी पी लेते हैं, जिससे पेट साफ होता है ऐसे लगता है लोगों को, या लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मैं आपको आज बोलता हूँ कि सभी ये चीज़ें हैं ना, सभी मिथ है। रियलिटी एक ही है, जब प्यास लगे तभी पानी पीना है, जब भूख लगे बहुत ज़्यादा तभी खाना खाना है, बाकी सब झूठ है। और आप देखिए ना, हम प्रज्ञापरत कितने कर रहे हैं। प्रज्ञापरत मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें पता है कि ये गलत है फिर भी हम करे जा रहे हैं। दही खाना रहे बहुत ज़्यादा प्रमाण में, या अभिषंदी चीज़ें रहे, रात को जागना रहे, दिन में सुबह लेट उठना रहे, या दिन में सोना रहे, दिवा स्वाप जो हम बोलते हैं, ये सभी कारण है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के। अगर हम इसमें सुधार करते हैं, इसमें अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पेट के जो विकार है, पेट के जो हमारे तकलीफें हैं, जो हमारी कंप्लेंट्स है, बहुत अच्छे से हम उसको टैकल कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो मेरे रुग्णों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि सवेरे उठे बराबर पानी पीते हो क्या आप, तो सभी 90% लोग बोलते हैं कि सर हम उठे बराबर 3-4 ग्लास पानी पी लेते हैं। जब हम यज्ञ शुरू होते ही उसमें पानी डाल रहे हैं उसके अग्नि बढ़ने से पहले ही, उसके बाद में हम नाश्ता करने जाते हैं, बाकी चीज़ें हमारी दिनचर्या शुरू करते हैं, लेकिन जो डाइजेस्टिव फायर हमारी जो अभी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उसमें हम पानी डाल रहे हैं और दिन की शुरुआत ही हम वहाँ से कर रहे हैं, तो ये धातुएँ हमारी जो है, धातुएँ अच्छे से बनेंगी नहीं। जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएँ हमारी, उसका पाचन अच्छे से नहीं होगा। और जो मैंने बोला कि सर्व रोगापे मंदाग्नि कारणम, सभी रोगों का मूल ये मंदा अग्नि है, उससे हमारे बाकी जो विकार है, जैसे अभी बोला है कि स्थूलता बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, या ग्रहणी के विकार है, जैसे लोग अभी बारिश के मौसम में ग्रहणी के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। किसी पेशेंट को अगर आपके घर में पेशेंट होगा कि वो बोलता है अगर किसी फंक्शन में जाना है उसके पहले मैं फ्रेश होकर आता हूँ, या मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है टॉयलेट जाने के बाद भी, तो वो ग्रहणी का पेशेंट है। ये लोगों ने उसको अपना लिया कि वो उन्हें लगता है कि इसका कुछ क्योर नहीं है, वो सारी ज़िंदगी इसके साथ में काट रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका बहुत ही अच्छा इलाज आयुर्वेद में है, पंचगव्य औषधियों में है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है मार्केट में भी अवेलेबल है, और हमारी रसशाला भी बनाती है, जैसे हरडे चूर्ण रहा, गोमूत्र हरित के है उसमें, तो ये हरडे चूर्ण जो है वो अगर हम रात में अगर लेते हैं तो वो अनुलोमन करता है, मल का अनुलोमन करता है, जिसकी स्टूल हार्ड होती है या टॉयलेट में उसको तकलीफ होती है या तकलीफ जाती है, स्ट्रेस लगाना पड़ता है, उनके लिए बहुत अच्छी कारगर दवाई है। तो हम ऐसे छोटी छोटी अगर चीज़ें हमने एक फॉलो करके हमारी लाइफस्टाइल में और डाइट में मॉडिफिकेशन किया, तो हम अग्नि की जो विकृतियाँ है, हमारी अग्नि के जो व्याधियाँ है, उससे अगर हम निजात पा सकते हैं, तो बाकी भी जो बड़े बड़े विकार है इससे अगर इससे जो होते हैं अग्नि के दृष्टि से, तो उससे भी हम बच सकते हैं।